अ वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना +1 का न्यू वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू तो नहीं कहूँगी एक बार मैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आप सब स्टूडेंट्स को एक पोएम करवाई थी फोटोग्राफ, जिसमें हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की थी उस पोएम की। आज उसी ही पोएम के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो टेक्सुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वो आई थिंक आपके 5 to 6 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि पोएम के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट भी है, क्योंकि पोएम में जो मेनली आपके जो इम्पोर्टेंट रहता है वो या तो उसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की स्टेंजर्स होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशंस की फॉर्म में आते हैं, विद क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनके आंसर्स लिखने होते हैं, और एट द सेम टाइम आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है व्हाट डज, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिव्यू दे देती हूँ, उसको रिवाइव कर लेते हैं हम इस पोएम को। एक्चुअल में बेटा जो ये पोएम थी फोटोग्राफ जो पोएम जो थी, दिस वन पोएम इज रिटन बाय शियरले टुअल्सन, और इसमें खुद पोएटस ने अपनी लाइफ या अपनी मदर के साथ उसकी जो फीलिंग्स थी उसको एक्सप्रेस किया है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि टाइटल से पता भी लग रहा है, फोटोग्राफ क्या होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज के रिकॉर्ड होते हैं, जो हमारे बीता हुआ जो समय होता है उसकी कुछ यादें होती हैं, उसको हम संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर उनको याद कर देख कर हमें अपनी पिछली खुशनुमा बातें याद आ जाए। इन द सेम वे शियरले टुअल्सन भी ऐसे ही करती है, और उसकी माँ भी इसी तरीके के थॉट से निकलती हैं। ओके, एक्चुअल में जो फोटोग्राफ शो करती है, फोटोग्राफ जो इस पोएम के अंदर जो दिखाई गई है वो ये है कि फोटोग्राफ में 3 गर्ल्स दिखाई देती हैं, जिसके अंदर खुद पोएटस की मदर है, ओके, और साथ में उसकी 2 कज़न हैं, एंड द नेम ऑफ 2 कज़न्स आर बेटी एंड डोली। ओके, जो तीनों के तीनों गर्ल्स हैं वो जो हैं बीच पर जाते हैं अपनी सी हॉलीडे को एंजॉय करने। इस दौरान वो कैसे ड्रेसअप होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है, किस तरीके से वो एंजॉय करते हैं, कैसे वो क्या कहते हैं, कुछ बातें वो रियलाइज़ करते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो ट्रांजिएंट है, दैट मींस इट इज़ नॉट परमानेंटली, आफ्टर सम टाइम इट विल अल्टीमेटली गोज टू डेथ, हो जाएगा कि हाँ पर्सन कभी ना कभी मर, मतलब एंड होना ही होना है ह्यूमन बीइंग का। ओके, तो ये सब कुछ पोएम पढ़कर हमें पास्ट मेमोरीज का पता चलता है कि उनकी पास्ट मेमोरीज कैसी थी, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, सेकंड फेज जब आता है, एक्चुअल में इस पोएम के अंदर हमें 3 फेसेस के बारे में ही पता लगते हैं। ये जो पोएम है, दिस वन पोएम इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजास, एंड ईच वन स्टैंजा डिपिक्ट्स डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। 3 स्टैंजास में ये पोएम लिखी गई है, और हर स्टैंजा जो है ना जिंदगी का एक अलग पहलू दिखाता है। अगर मैं पहले स्टेंजा की बात करूं तो पहले स्टेंजर्स में को पढ़कर हमें ये पता लगता है कि जो इस पोएम को लिखने वाली पोइटस है शियरले टुअल्सन, उस वक्त तक उस पहले स्टेंजर्स को पढ़कर पता लगता है कि उस वक्त तक उस पोइटस का बॉर्न वो पैदा नहीं हुई है, ठीक है, बर्थ नहीं हुआ है उसका। और उसके अंदर हमें ये पता लगता है कि जो पोइटस की माँ है अपने दोनों कज़न के साथ हॉलीडेज को, सी हॉलीडेज को एन्जॉय करने गई हुई है। ओके, और उसके उस स्टेंजा के अंदर जो पोइटस की माँ की जो एज बताई गई है वो है उम्र उसकी 12 साल। अब आती है सेकंड स्टेंजा की बात, दैट मींस सेकंड फेज ऑफ लाइफ। सेकंड स्टेंजा जो हम पढ़ते हैं वो हमें पता लगता है कि दैट वाज पीरियड आफ्टर 20 to 30 इयर्स, 20 या 30 सालों के बाद के टाइम को उस स्टेंजा में मैंशन किया गया है। होता क्या है कि अब इस स्टेंजा के अंदर हमें पता लगता है कि जो पिक्चर बन रही है, जो रिव्यू बन रहा है, वो रिव्यू ये बन रहा है कि जो
पॉइटस की माँ है अपनी बेटी के साथ, दैट मीन्स उसकी बेटी कौन है, शीले ट्यूल्सन, उसके साथ बैठकर उस फोटोग्राफ के बारे में जिक्र कर रही है और अपनी बेटी को बता रही है, देखो हम कैसे सी हॉलीडेज को एंजॉय करने गए थे, किस तरीके से हम सब ने बैटी डोली और मैंने सी पर जाने के लिए अपने आप को ड्रेसअप किया था, किस तरीके से हम तैयार हुए थे, इन सब बातों के बारे में हमें पता लगता है। एंड नाउ द टर्न इज द सेकेंड स्टेंजा, दैट मीन्स थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। अब थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ मतलब थर्ड स्टेंजा को पढ़कर हमें ये मैसेज मिला कि इस वक्त उसकी माँ जो है नहीं रही, पॉइटस की माँ जो है नहीं है, वो मर चुकी है। अब यहाँ पर पॉइटस उसी फोटोग्राफ को देखकर अपनी यादों को ताज़ा करती है। वो ये कहती है कि इस वक्त मेरी माँ की हंसी ही मेरे लिए यादें बन चुकी हैं, ठीक है, द ओनली माई मदर्स स्माइलिंग फेस इज जस्ट माई पास्ट मेमोरीज। वो सिर्फ मेरी पास्ट मेमोरीज बनकर रह गई हैं, कुछ यादें बनकर रह गई है, स्वीट मेमोरीज बनकर रह गई हैं। ओके, इस तरीके से थ्री फेजेस पता लगते हैं इस पोएम में। अब वही चीज़ रिवाइव हो चुके हैं, माइंड जो है एकदम से पिक्चर अच्छे से बन चुकी होगी आप सब स्टूडेंट्स के माइंड में कि फोटोग्राफ पोएम में क्या था। ओके, अब मैं वही फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप सब स्टूडेंट्स के आगे डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये शो कर रहा है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। कहते इस पोएम के अंदर इस पोएम के अंदर जो कार्डबोर्ड है इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें ये बताना है। जब हम ये पोएम पढ़ते हैं उसके अंदर ये वर्ड यूज हो रहा है कार्डबोर्ड, इसका मतलब क्या है, एंड वाई हैज दिस वर्ड बीन यूज, और इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। ओके, तो हम आंसर देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। दिस वर्ड यहाँ पर क्या आएगा, दिस वर्ड डिनोट्स अ फोटोग्राफ। ये जो शब्द है मतलब कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड किसके बारे में बता रहा है, फोटोग्राफ के बारे में बता रहा है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, और अब देखो आप थोड़ा सा जब ये लर्न करोगे ना तो मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ बेटा। आप अपने क्वेश्चन से ही ये वर्ड्स उठा सकते हो। द वर्ड लिखा हुआ है, द को आप चेंज कर देना, दिस वर्ड डिनोट्स, डिनोट की स्पेलिंग आप क्वेश्चन से ही ले सकते हो, डिनोट्स अ फोटोग्राफ। आपको जस्ट लर्न करना है फोटोग्राफ की स्पेलिंग को। एंड दिस वर्ड अब आगे भी आप क्वेश्चन से उतार सकते हो, दिस वर्ड हैज को ले आओ इधर, ये देखिए दिस वर्ड लिखकर हैज को ले आओ बीन से पहले। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, ये शब्द इस्तेमाल किया गया क्यों। अब इन लाइंस को आप ढंग से याद कीजिएगा, क्यों क्यों यूज किया गया, टू शो द सेंस ऑफ पास्ट, किस लिए यूज किया गया है, भूतकाल के भाव फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सेंस ऑफ पास्ट, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, ठीक है, सेंस का मतलब होता है फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, भूतकाल की बीते हुए समय की भावनाओं को बताने के लिए कार्डबोर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ओके, जनरली वी हैव पास्ट फोटोग्राफ ऑन कार्डबोर्ड फॉर रिकॉर्ड और फॉर डिस्प्लेइंग दैम इन द हाउस। कहते हैं जनरली का मतलब होता है आमतौर पर हमारे पास क्या होती है, हमारी कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स होती है। वी हैव जनरली वी हैव पास्ट फोटोग्राफ, ओके, वी हैव पास्ट फोटोग्राफ ऑन कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पर हम बीत मतलब पुरानी फोटोग्राफ लगाते हैं, क्यों, फॉर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है संभाल कर रखने के लिए, कुछ यादें होती है, फोटोग्राफ
फॉर रिकॉर्ड और फॉर डिस्प्लेइंग दैम इन द हाउस, भी हम अपने बीते हुए टाइम की फोटोज जो है कार्डबोर्ड पर, कार्डबोर्ड का मतलब होता है कि वो जो फ्रेम होता है लकड़ी का, जो गत्ता होता है, उस पर हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो रिकॉर्ड रहे, हमारे पास संभला रहे, या अपने घर की दीवार पर हम उसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले का मतलब लगा देना, लटका देना। इस फॉर्म में हम अपने फोटोग्राफ या कार्डबोर्ड यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं ले रही हूँ सेकेंड क्वेश्चन। वट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने, जो कैमरा फोटो क्लिक हुई थी उसने क्या, किस मोमेंट को क्या कैप्चर किया था, किसके बारे में उस फोटो में हमें पता लगता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया ही है कि उस फोटो के अंदर थ्री गर्ल्स हैं, एक पोइटस की मदर है और दो उसकी कजन है, बैटी और डोली। तो वही हमने यहाँ पर मेंशन करना है। आंसर क्या है? द, ऊपर से उतारेंगे आप, द कैमरा हैज कैप्चर्ड, हैज को ले आइए आप इधर आगे। ओके, द कैमरा हैज कैप्चर्ड, क्या करना है, क्या कैप्चर किया है उसने, कैमरा ने, थ्री गर्ल्स ऑन द सी शोर, तीन लड़कियों के बारे में बताया है जो समुंदर के किनारे पर हैं। दे आर स्टैंडिंग, वो खड़े हैं एट द सी शोर, वो सारे के सारे खड़े हैं समुंदर के किनारे। ओके, दे आर स्टैंडिंग एट द सी शोर, एंड यहां पर आप लिख दीजिए एंड, सी शोर के बाद लिख दो एंड। एक सेकेंड, वेट, दे आर स्टैंडिंग, दे आर स्टैंडिंग एट द सी शोर होल्डिंग वन अनदर्स हैंड, सारे के सारे जो है समुंदर के किनारे खड़े हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना, वन अनदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ। ओके, तो आप एंड मत भी लिखिए तो भी मीनिंग कन्वे हो जाएगा। सी श्योर, और इधर लगा दो कोमा, सी श्योर होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना, वन अनदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ। दे आर लुकिंग एट द कैमरा, और तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, कैमरा की तरफ देख रहे हैं। देयर हेयर इज रफल्ड, और उनके जो बाल हैं वो रफल हो चुके हैं। रफल का मतलब क्या होता है, बिखरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन तीनों ने अपने बाल लूज रखे हुए थे, खुले छोड़े हुए थे, ठीक है, और हवा चल रही थी सी शोर पर, तो सारे के सारे उनके बाल बिखरे हुए थे। ओके, नेक्स्ट आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। वट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, क्या है जो सालों तक नहीं बदलता, एंड डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या ये चीज देख के तुमको कुछ और समझ में आता है। तो हमने इस पोएम के अंदर ये एक एक दो लाइंस आई थी जिसके अंदर हमें ये पता लगा था कि चाहे समुंदर हो या समुंदर की लहरें हो, ये साल दर साल, साल भर साल इसी तरीके से उसमें लहरें उठती हैं और ये इसी फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। तो तुम क्या रहा, समुंदर है जो कभी भी नहीं बदलता, और इससे हमें और क्या सीखने को मिला, इससे हमें ये सीखने को मिला कि जो इंसान की जिंदगी है वो एक दिन खत्म हो जाती है, वो ट्रांजिएंट है, वो क्षणभंगुर है, वो शॉर्ट है, वो छोटी है, बट जो समुंदर है दैट हैज नेवर हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, जो वर्षों के बाद भी नहीं बदलता। ओके, यहां पर मैं आंसर करवा रही हूं, द सी हैज नॉट, द सी हैज नॉट चेंज्ड, द सी हैज नॉट चेंज्ड, ये सारा आपका कंप्लीट क्वेश्चन से है। आपको जस्ट वट की जगह लिखना है द सी, बाकी आप ऊपर से उतार सकते हो हैज नॉट चेंज्ड ओवर द
years, okay? उसके बाद आगे भी this suggest that, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो इंसान की जिंदगी है, मैंस लाइफ का मतलब है मनुष्य की जो जिंदगी है वो क्या है, ट्रांजिएंट है। अगर ये ट्रांजिएंट वर्ड याद नहीं होता तो इसकी जगह लिख देना शॉर्ट, ओके? ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षण भंगुर, जिसका एक ना एक दिन अंत होता ही होता है, ओके? नेक्स्ट आ रहा है ऑन द आएगा, जो मिसप्रिंट है मैं इधर नीचे लिख रही हूं, ऑन द, ओके? ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ देखा जाए तो नेचर इज परमानेंट, जो प्रकृति है, ठीक है, वो क्या है, हमेशा के लिए विद्यमान है। नेचर, नेचर प्रकृति जो है हमेशा के लिए विद्यमान है, और जो इंसान की जिंदगी है वो छोटी है, इज परमानेंट, ओके? ऑन द अदर हैंड, ये मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, जो मिसप्रिंट है मैं यहां लिख रही हूं ताकि आप सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। ऑन द अदर हैंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, जो पोएट की माँ है वो हंसती है स्नैपशॉट को देखकर, फोटो को देखकर, फोटोग्राफ को देखकर हंसती है। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, उसकी हंसी से हमें क्या समझ में आता है, ओके? वो क्यों हंसती है, उसकी माँ इसलिए हंसती है कि वो देख रही होती है कि किस तरीके से वो तीनों के तीनों, मतलब हम तीनों कपड़े पहनकर गए थे समुंदर के किनारे, किस तरीके से हमारे बाल बिखरे हुए थे, किस तरीके से हम फोटो खिंचवा रहे थे, ठीक है, ये सब कुछ पता लगता है। यस, आंसर देखिए, when she looked at the, या when, when she looked का मतलब होता है देखना, when she looked at the photograph, जब उसने फोटोग्राफ को देखा, after many years, 20-30 सालों के बाद, काफी सालों के बाद देखा, तो उसने क्या किया, she laughed, वह हंसने लगी। This indicates, इससे पता चलता है, प्रतीत होता है, indicates का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है। अगर ये या indicates की spelling learn ना हो तो आप इसकी जगह लिख लीजिए seems, this seems that यहां पर भी missing है, यहां पर आएगा she remembered her past, this seems that she remembered, मैं remember की spelling दोबारा लिख रही हूं, remembered her past, ओके, पास्ट। आगे आ रहा है, द मेमोरी ऑफ दैट सी हॉलीडे बिकेम अलाइव इन हर माइंड, और जो यादें थी, मेमोरी का मतलब यादें, जो यादें थी उस समुंदर की छुट्टियों की, वो क्या हो गई थी, बिकेम अलाइव, फिर से जिंदा हो गई थी उसके दिमाग में, उसके दिल में, ठीक है। ये लाइन भी दोबारा मेंशन कर देती हूं मैं, द मेमोरी ऑफ दैट सी होलीडे बिकेम अलाइव इन हर माइंड, इन हर माइंड, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, कहते क्या मतलब है इस बात का, कौन सी लाइन का, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों के दोनों ही परेशान हुए, किससे, कि दोनों को ही कोई ना कोई नुकसान झेलना पड़ा,
क्या नुकसान झेलना पड़ा दोनों के, दोनों ही को ही किसी न किसी चीज़ का नुकसान झेलना पड़ा, किसी न किसी को गंवाना पड़ा। उसकी माँ को गंवाना पड़ा अपनी दोनों कज़न को, जब वो फोटो देखती है 20-30 साल बाद। और पोइटस शिर्ले टूअलसन को किसको गंवाना पड़ा, उसकी अपनी माँ को। ओके, तो दोनों ही दोनों जो है अपने इस नुकसान को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं बड़े ही आसानी से। इसका क्या मतलब है? ओके, दोबारा से सुनिए इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, कहते हैं इस लाइन का मतलब बताओ। बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। राय, राय का मतलब होता है चिंतित, परेशान थे, किस चीज के लिए चाहते थे। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लॉस का मतलब होता है नुकसान, नुकसान को भुलाने की कोशिश कर रहे थे वो भी बड़े आसानी से। ईज का मतलब होता है आसानी से, वो चाहते थे कि हम आसानी से इसको भुला जाएं, हम और ना तड़पे। अब वो क्या नुकसान था, वो नुकसान ये था कि जो पोइटस की माँ थी उसको नुकसान, उसने नुकसान झेला कि उसकी दोनों कज़न अब इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है। और जो शिर्ले टॉलसन थी उसने नुकसान ये झेला कि उसकी अब माँ उसके साथ नहीं रही है, ठीक है। और दोनों चाहते हैं कि हम इस नुकसान को आसानी से भुला जाएं और अपनी बीती हुई यादों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी आगे बिताएं। ओके, तो ये आंसर्स देखिए आप। बोथ, बोथ द वुमेन, दोनों की दोनों जो औरत हैं, हैव सफर्ड, सफर्ड का मतलब होता है मतलब तंग होना, परेशान होना, किस चीज़ के लिए, लॉस इन लाइफ। दोनों ही दोनों जो है ना परेशान हुई किस चीज़ के लिए, कि जिंदगी में उन्हें कुछ ना कुछ घाटा हुआ, नुकसान हुआ। लॉस का मतलब घाटा हुआ। द पोइटस मदर सफर द लॉस ऑफ हर कज़न, जो पोइटस की माँ है, पोइटस की जो माँ है उसने कौन सा नुकसान झेला, द लॉस ऑफ हर कज़न। यहाँ पे कज़न लिखा नहीं हुआ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मिस प्रिंट है कज़न, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया भी था कि उसकी माँ को किस चीज़ का नुकसान हुआ, कि डोली और बेटी नहीं रहे। बट शी लाव, फिर भी उसकी जो माँ है हंसती है, एंड ट्राई टू मेक इट ईजी, और कोशिश करती है कि मैं आसानी से इस नुकसान को भूल जाऊँ। इन द सेम वे, इसी तरीके से पोइटस इज सैड, कवित्री भी उदास थी। क्यों उदास थी, एट द लॉस ऑफ हर मदर, ठीक है, कि अब उसकी क्यों क्यों उदास थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को गवा दिया था, ठीक है। बट शी ऑल्सो ट्राइज, आगे अगेन फिर मिस प्रिंट है, मैं यहीं पर ही मैंशन कर रही हूँ, पर वो भी कोशिश करती है, लॉस ऑफ हर मदर के बाद आ रहा है बट, बट शी, ओके, ऑल्सो ट्राइज, ऑल्सो लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं, आगे लिख लीजिए, ऑल्सो ट्राइज, समझ लीजिए, ऑल्सो ट्राइज टू फॉरगेट इट, पर वो भी कोशिश करती है इस नुकसान को भूल जाए। ओके, लास्ट, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू, कौन सी परिस्थिति का यहाँ पर जिक्र हुआ है। जब आप ये पोएम पढ़ोगे ना तो ये वर्ड बार बार आएगा, दिस सर्कमस्टांस, दिस सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस का मतलब होता है अवस्था, सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन थी, सिचुएशन ये थी कि पोइटस की माँ की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से ही उतारेंगे आप, दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोइटस मदर। सर्कमस्टांस क्या था, पोइटस की माँ की डेथ हो गई है। ओके, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जरूर हुई है आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जो मेरे पास स्कैंड कॉपीज भी हैं वो भी मिस प्रिंट आई है, पर कोशिश करूँगी मैं साथ के साथ इसकी नई वीडियो डाल दूँगी जिसमें क्लीन हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको सब बता दूँगी। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने वेरी स्टार्टिंग आप सब स्टूडेंट से डिस्कस कर लिया था, ये जस्ट आप समझ लीजिए कि इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप
कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ. ओके, अदरवाइज ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन 6 करवाए हैं और जो स्टेंजर्स हमने करे हैं वो सफिशियंट है. आप देख लीजिए एक बार. लास्ट जो क्वेश्चन है, द थ्री स्टेंजर्स ऑफ द पोएम डिपिक्ट्स थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे. तो शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इस पोएम के तीन स्टेंजर्स हैं और तीनों के तीनों स्टेंजर्स डिफरेंट डिफरेंट फेज के बारे में बता रहे हैं जिंदगी के. वो कौन से हैं, या यू कहो कि इस पोएम की आपको समरी लिखनी है. देखो, कविता का सार लिखना है. इज इट क्लियर? तो ये जस्ट आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया भी था, आप स्टार्टिंग की मेरी वीडियो ये वाली ध्यान से सुन सकते हैं. मैंने तीनों के तीनों फेज जो हैं, तीनों के तीनों स्टेंजर्स बहुत अच्छे से बताया. ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा. इसके साथ जो इसके स्टेंजर्स हैं और जो उसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ तक तो पहले ये 6 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिएगा. उसके बाद जो इसके स्टेंजर्स के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ. ये अनसोल्ड हैं, आपको इसके क्वेश्चंस इधर मेंशन हो रहे हैं, आंसर्स आपको लिखने हैं. देखिए, स्टेंजा 1, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. तो कहते हैं जो कार्डबोर्ड है, जो फोटो है, वो मुझे बताती है खुद दो लड़कियां हैं उस फोटो में, वो चल रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर. किसका हाथ पकड़कर? मेरी माँ का हाथ पकड़कर, जिसमें से मेरी माँ जो है सबसे बड़ी लड़की है और उसकी उम्र कितनी है? 12 साल. ओके, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये बन रहे हैं आपके. हु रॉट दिस पोएम? शेले टॉल्सन. हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द फोटोग्राफ? 3 लड़कियां थी. वाई डिड द गर्ल वेंट टू सी बीच? क्यों गई थी? अपनी हॉलीडे को एंजॉय करने. ठीक है, हु इज द बिग गर्ल? सबसे बड़ी लड़की कौन थी? पोइटस की मदर. ओके, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजास. रोइंग का मतलब क्या होता है? पैडलिंग. ठीक है, ग्रेस्पिंग का मतलब होता है होल्ड, पकड़ना, होल्डिंग. रोइंग का मतलब होता है चलाना, पैडलिंग. ग्रेस्पिंग का मतलब होता है पकड़ना, मतलब होल्डिंग. अब मैंने डिस्कस कर लिया, आप अपना खुद एनालिसिस करके इसके आंसर्स लिख लीजिएगा. सेकेंड आ रहा है स्टेंजा, ऑल थ्री स्टूड. स्टूड का मतलब खड़े होना. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द एंकल विद द कैमरा. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी वेन अपियर्स टू वट अपियर्स टू हैव चेंज लेस एंड वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया है कि तीनों के तीनों खड़े हैं सी बीच पर, उनके जो हेयर है वो लूज हैं और उनके अंकल जो है फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं. उसकी माँ का फेस जो है सबसे ज़्यादा स्वीट है. ठीक है, और इससे हमें ये पता लगता है कि सी जो है सबसे कम चेंज होता है और जो ह्यूमन बींग की लाइफ है वो ट्रांजिएंट है. ओके, हु आर द ऑल थ्री रेफर्ड इन द पोएम? किन तीन के बारे में बताया गया? तो तुम तीन कौन है? पोइटस मदर, कॉमा डोली, कॉमा बेटी. इन तीनों के नाम लिख देंगे आप. हु इज टेकिंग द फोटोग्राफ? फोटोग्राफ कौन ले रहा है? एक अंकल ले रहे हैं. हाउ डज द पोइटस डिस्क्राइब हर मदर्स फेस? मदर का चेहरा कैसा बताया गया? स्वीट फेस. वेयर आर द थ्री स्टैंडिंग? स्टैंड तीनों के तीनों कहाँ खड़े थे? सी शोर के पास, समुन्दर के किनारे खड़े थे. ओके, तो फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. सीम का मतलब क्या है? शॉर्ट लीव का मतलब क्या है? शॉर्ट लीव का मतलब होता है ट्रांसिएंट. ओके, सीम का मतलब एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें कोशिश करो, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी इसका क्या है. नेक्स्ट लीजिए. यस, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डोली. शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ फॉर बोथ. ड्राइव विद द लेबर इज ऑफ लॉस. तो इसके अंदर 20-30 सालों के बाद का समय बताया गया है, जब उसकी माँ और बेटी दोनों बैठ कर अपनी उस फोटोग्राफ को देख रहे होते हैं और उसकी माँ बता रही होती है अपनी बेटी को कि फोटोग्राफ में कौन कौन है, कैसे कपड़े डाले हुए थे. ओके, तो इसके क्वेश्चंस क्या आएंगे? व्हाट आर दे ड्रेस फॉर?
ठीक है, फॉर का मतलब होता है किस पर्पस के लिए वो ड्रेस हुए थे, तो आप कहोगे समुंदर के किनारे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। ओके, व्हाट इज द पॉइटस पास्ट, पॉइटस का पास्ट अब क्या है, अपनी माँ की यादें और उसकी स्माइल। ओके, फोटोग्राफ का मतलब क्या है, शोर का मतलब क्या है, फोटोग्राफ का मतलब है स्नैपशॉट, शोर का मीन्स भी आप इसमें ढूंढ लेंगे कि शोर का मतलब इधर क्या है, बीच, बीच आएगा, शोर का मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारा, तो ये बीच आएगा शोर के लिए। ठीक है, लास्ट Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all, its silence and silences. अब इसमें ये बात की गई है कि उसकी जो डेथ है, पोइटिस की मदर की डेथ हो चुकी है, अब इस सर्कमस्टांसिस में, इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं बचा कहने को, सिर्फ साइलेंस और साइलेंस ही रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन डेड, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, हु, कौन मर गया है, तो आप लिखोगे पोइटिस मदर। What is the circumstance? What is the circumstance? Circumstance क्या है, सिचुएशन क्या रह गई है, तो सिचुएशन यही रह गई है कि इस सिचुएशन में उस लड़की के पास कुछ भी बोलने को नहीं रहा, सिर्फ उसकी यादें हैं और वो साइलेंस और साइलेंट ही हो गई है। ठीक है, What silences the poetess? क्या था जिससे पोइटस को साइलेंट कर दिया था, यहां पे मैं दोबारा लिख देती हूं ये वाला क्वेश्चन, व्हाट साइलेंसेस द पोइटस, क्या था जिससे पोइटस शांत हो गई थी, तो कहोगे पोइटस की मदर की डेथ ने उसे शांत कर दिया था। हु इज द पोइटस इन द पोयम, तो बार बार ही बताया पोइटस कौन है इसके अंदर, तो वो कौन है, शेरले डॉल्सन। ओके, लास्ट सिचुएशन का मतलब क्या है, सिचुएशन का मतलब है यहां पर सरकमस्टांस। मैंने आपसे वर्बली एक बार सारे स्ट्रेंजर्स भी डिस्कस कर लिए हैं और हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो चुके हैं। इस तरीके से आपकी जो ये पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस पोएम को आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा और इसको लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।